नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो इन कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है, क्या खबर रहेगी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो तबादले के बाद जल्द ज्वाइनिंग नहीं देने वालों पर होगी कार्रवाई, बिना ठोस कारण काम न संभालने पर निलंबन। HRTC में तबादले के बाद समय पर ज्वाइन न करने वाले कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई होगी। यदि बिना किसी ठोस कारण वो प्रबंधन को विश्वास में लिए बिना कोई भी कर्मचारी, चाहे वो चालक परिचालक हो या अन्य, तय समय पर ज्वाइन नहीं करता है तो निगम प्रबंधन उन्हें निलंबित भी कर सकता है। हाल ही में 2 परिचालकों को निलंबित भी कर दिया गया है। प्रबंधन के ध्यान में आया है कि तबादला होने पर कर्मचारी तय समय पर ज्वाइनिंग ही नहीं देते हैं, वो राजनीतिक जुगाड़ लगाकर अपना तबादला रुकवाने में लगे रहते हैं। दूसरी ओर प्रबंधन ने अब स्पष्ट कर दिया है कि तय समय के भीतर ज्वाइन करें। नियमों के तहत यदि किसी का तबादला 30 किलोमीटर से कम स्थान पर होता है तो उसी दिन ज्वाइन करना होता है। यदि तबादला 30 किलोमीटर के बाहर हो तो 5 दिनों के भीतर ज्वाइन करना होता है। बता दें कि HRTC के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि नियमों में इसका पहले से प्रावधान है, यदि कोई कर्मचारी इनकी अवहेलना करता है तो नियमानुसार कार्रवाई होना तय है। तो प्रमुख रूप से यह है बड़ी खबर कि HRTC में तबादले के बाद समय पर ज्वाइन न करने वाले कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी, वहीं बिना ठोस कारण काम न संभालने पर भी निलंबन किया जा सकता है। तो अभी के लिए यह बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।